आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से ऑन करिएगा, क्योंकि इस चैनल में अब से इस वीडियो की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज को पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए, आप इस चैनल को नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, इस टाइप की आप ऐप बना सकते हैं, अर्निंग ऐप बनाइए और उसमें रेफरल सिस्टम या फिर और भी कोई टास्क अर्निंग सिस्टम डाल करके आप पैसे कमाने वाले हैं इस ऐप से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में स्केचवेयर नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट अर्निंग ऐप के बारे में बताना स्टार्ट किया है। तो ये प्लस वाला बटन जो नीचे में दिख रहा है आपको, यहाँ पर इस प्लस वाले बटन पर आपको क्लिक करने के बाद ऐसा प्रोजेक्ट ऐड करना है। प्रोजेक्ट ऐड करने वक्त आपको ध्यान में रखना है, आपको इस ऐप का नाम कुछ भी रखना है, आप बाद में इसे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप इस ऐप का नाम रख लेता हूँ अर्निंग ऐप, ठीक है, अर्निंग ऐप। इसके बाद इसके एडवांस सेटिंग में मैं चलता हूँ और इसके सारे एडवांस सेटिंग को मैं एक बार फिर से डिटेल करता हूँ। ऐसे मैंने एक वीडियो भी बना दिया था इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक कलर प्राइमरी डार्क, आपको इस पर ध्यान रखना है, कलर प्राइमरी डार्क आपका जो मेन कलर है वो आपका इसका कलर होगा, ठीक है, स्टेटस बार का कलर। तो फिलहाल मैं इस कलर को ले लेता हूँ कुछ ऐसा कलर कि आपको रेड कलर में नहीं तो ऑरेंज कलर में ले लेना होगा। मैं इस ऑरेंज कलर में ले लेता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने ऐसा कलर चूज कर लिया। और इसके बाद आपको यहाँ पर कलर प्राइमरी में चूज करना है, जो कि ये आपका हेडर का कलर होगा इसका। तो मैं इसका कलर प्राइमरी कलर इसे चूज कर लेता हूँ और ये मेरा कलर प्राइमरी कलर भी यही होगा, ऑरेंज कलर में यही कलर मैं इससे थोड़ा सा लाइट कलर यूज करता हूँ। और इसके बाद कलर एसेंट पर आपको ध्यान देना है कि आपका कलर एसेंट, ये जो एडिट टेक्स्ट का नीचे वाला लाइन कलर है, यही कलर आपका होने वाला है। तो इसे भी आप वैसा ही रखिए, ऑरेंज में, डीप ऑरेंज में आपको ऐसा मिल जाता है, लेकिन ऑरेंज में ही मैं रख लेता हूँ ये वाला। और इसके बाद अब इसके कलर कंट्रोल हाईलाइट, यानी जब बटन क्लिक होगा तब कैसा एनिमेशन आएगा क्लिक होने पर, तो ऑरेंज कलर में ही मैं एकदम पूरा फीका कलर यूज कर लेता हूँ, इसे इससे भी फीका हो सकता है ये वाला। और इसके बाद यहाँ से कंट्रोल कलर नॉर्मल जो है इसे आपको रखना है चेकबॉक्स के कलर के यूज के लिए। तो चेकबॉक्स का भी कलर आप ऐसा ऑरेंज कलर का रख सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे यूज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सभी कलर को ऐसा कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। इसके बाद आप इसके पैकेज नेम को चेंज करिए, तो यहाँ से कॉम डॉट अपना नाम भी डाल सकते हैं, बस इतना मैं रखता हूँ। इसके बाद अब इसका प्रोजेक्ट नेम मैं भी चेंज कर लेता हूँ, ERING अर्निंग ऐप। इसके बीच में आपको स्पेस नहीं लगाना, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और बस आपका बस इतना बनकर के रेडी हो चुका है। इसी के बाद आपको टैप टू चेंज आइकॉन पर गैलरी से आप आइकॉन चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आइकॉन चूज कर लेता हूँ अपने गैलरी से, और मेरे पास ये है इमेज, मैंने पिक्सल लैब में इसे बना के रखा हुआ ऑलरेडी, तो मैंने इमेज भी चूज कर लिया हुआ है। और आप अपना इमेज चूज कर सकते हैं, बाद में भी इसे चूज कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे ये जो क्रिएटर का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस बनके रेडी हो जाएगा, जिसमें आपको नीचे क्लिक करना है मेन XML पर। और आप देख सकते हैं मेन XML तो रहेगा ही हमेशा, मेन XML आपका एक पेज है। और इसके बाद और भी आप पेज बनाने वाले हैं, तो फिलहाल मैं करीबन 8 पेज बनाऊंगा और इन 8 पेजों के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कम्प्लीट। तो सबसे पहले यहाँ जो प्लस वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो प्लस वाले बटन पर मैंने क्लिक किया और आपका दूसरा पेज जो एड होगा, उस पेज का नाम हम रखने वाले हैं यूजर। आपको सभी चीज स्मॉल में रखने हैं, यूजर, इसके बाद अंडरस्कोर AUTH। इस पेज में हम क्या करेंगे कि यूजर का ऑथेंटिकेशन करेंगे, जैसे यूजर लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा एंड रजिस्टर करेगा, जो भी चीज फॉरगेट पासवर्ड करेगा, तो इन सारे चीजों का काम यूजर ऑथ वाले पेज में होगा। तो फिलहाल हम इसमें टूल बार का यूज नहीं करेंगे, केवल स्टेटस बार रहेगा। एंड इसके ओरिएंटेशन को आप बोथ और हिडन दोनों कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ एड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका इसके बाद तीसरा पेज स्टार्ट होगा, वो पेज होगा वैलेट का पेज। तो फिलहाल मैं यहाँ से ऐड करता हूँ वैलेट का पेज, WALLET। वैलेट के पेज में आपको यहाँ पर टूल बार नहीं रखना है,
आपको अब क्या करना है, यहाँ पर सेम कंडीशन में बनाना है वैलेट के पेज में। आप क्या करेंगे, जितने भी ऐप की टोटल अर्निंग्स होगी, जो यूजर पैसे कमाएगा, वो सारे इसके वैलेट में जमा होंगे। तो इसके बाद ऐड करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा होगा रिडीम का पेज। तो ये हमारा रिडीम का पेज होगा, इसमें भी टूल बार नहीं होगा, और यहाँ पर बोथ और हिडन करके आपको ऐड कर लेना है। रिडीम के पेज में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि रिडीम के पेज में आप यहाँ पर जैसे यूजर जितने भी पैसे कमाएगा, तो उसे आप वो यूजर अपने पेटीएम अकाउंट में या फिर फोन पे जहां भी लेना चाहेगा वहां ले सकता है, रिडीम कर सकता है पॉइंट्स को अपने। इसके बाद होम एक्सएमएल हमको ऐड करना है, यानी होम पेज बनाना है। तो चलिए होम पेज मैं बनाता हूँ यहाँ से होम पेज। होम पेज में क्या होंगे, ये टोटल टास्क होंगे जिसमें हमें टूल बार और शायद आप ड्रावर भी रख सकते हैं। तो अगर आप ड्रावर रखते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ड्रावर में आपका सब कुछ अरेंज नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल हम ड्रावर के लिए एक्स्ट्रा पेज ही बना करके उसमें ड्रावर ऐड करेंगे। तो फिलहाल आप इसमें स्टेटस बार ही यूज करें और इसके बाद ऐड कर लेते हैं इसे भी। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर पेज होगा वो होगा प्रोफाइल का पेज। तो प्रोफाइल के पेज में हम क्या करेंगे, जैसे यूजर का प्रोफाइल जितना भी होता है, यूजर अपना प्रोफाइल सेट करता है, एडिट करता है, अपना नाम आइकॉन या फिर जो उसका लोगो होता है वो अपना चेंज करता है, अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी या फिर डेट ऑफ जितना भी चेंजिंग करना है उसको, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ अपडेट करता है। तो इसमें भी आपको टूल बार का यूज नहीं करना है, और इसके बाद बोथ और हिडन करके ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा रेफरल वाले सिस्टम में। अब आपको पेज 7 वाला है, अगर आप ऐप में रेफरल सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसे ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते। तो फिलहाल अब REFERAL मैं इस रेफरल पेज में ऐसा सिस्टम दूंगा कि यहाँ से जो भी यूजर आएगा अपने ऐप को, इस ऐप को शेयर कर पाएगा यहाँ से, और जैसे वो शेयर करेगा तो कुछ पैसे उसको मिल जाएंगे। तो ऐसा आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें भी टूल बार आपको नहीं रखना है, और बोथ एंड हिडन करके आपको सेव कर देना है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पेज होगा वो होगा ड्रावर का पेज। तो मैं इसे प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, और इसमें भी टूल बार नहीं लगाने वाला हूँ, और इसमें मैं ड्रावर नाम रखने वाला हूँ। ड्रावर मैंने रख लिया है, और इसके बाद इस ड्रावर में वो सभी फंक्शन होंगे जो यूजर को दिखेगा कि मेरा प्रोफाइल यहाँ है, मेरे अर्निंग्स इतने हो रहे हैं, वो सारी चीज यूजर को दिखेंगे। इसके बाद इसमें भी बोथ एंड हिडन करके आपको ऐड कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास इतने पेजेस बन के रेडी हो चुके हैं, और अब हम इन सभी पेजेस पर एक एक करके वर्क करेंगे। तो यहाँ हमारा मेन एक्सएमएल है, हम मेन एक्सएमएल पे चलेंगे। इसमें क्या करना है, ये टूल बार जो आ रहा है इसे हमें हाइड करना है टूल बार को। तो टूल बार को हमें हाइड करने के लिए सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू में चले जाना है, और यहाँ पर मेन एक्सएमएल में आपको जाना है, और इसके टूल बार को हाइड करके बोथ एंड हिडन करके सेव कर लेना है। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, बोथ एंड हिडन करने का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि ये है हमारा स्क्रीन ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट में है, एक लैंडस्केप में है, एक बोथ में है। मतलब कि आप अगर पोर्ट्रेट में रखते हैं तो आपका ऐप जो होगा वो लैंडस्केप मोड में नहीं हो पाएगा, आपका पोर्ट्रेट में ही रहेगा, और अगर बोथ में करते हैं तो दोनों मोड में होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गया। लेकिन अगर इसमें हम करते हैं कीबोर्ड सेटिंग में अनस्पेसिफाइड, मतलब कीबोर्ड यहाँ पर हमेशा आ जाएगा, जैसे एडिट टेक्स्ट को भी आएगा कीबोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हटेगा ही नहीं जल्दी। और विजिबल में करेंगे तो विजिबल में क्या होगा कि कीबोर्ड ऑटोमेटिक दिखता ही रहेगा, कीबोर्ड हमेशा खत्म नहीं होगा जल्दी से। और यहाँ पर हिडन में आप करेंगे तो ये कीबोर्ड हमेशा हिडन रहेगा, जैसे आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर व्यू नेम पर क्लिक करते थे तो कीबोर्ड आता था, तो उस तरह से आप हिडन रखेंगे तो ऐसा होगा, इसलिए मैं ऐसा रखता हूँ। और टूल बार में बता देता हूँ, ये टूल बार है, और यहाँ पर ड्रावर, यानी कि साइड से जो ड्रावर खुलता है ये वाला ड्रावर है। ड्रावर को बनाने के लिए आपको टूल बार का यूज करना नेसेसरी होता है। देख सकते हैं आप, यदि मैं टूल बार को मिटाता हूँ तो यहाँ से ड्रावर भी मिट जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, आई बटन में शायद लिंक हो जाएगा, मैंने दे दूंगा वहां पे लिंक। और यहाँ पर आप इस हेडर को भी चेंज कर सकते हैं अगर आप ड्रावर ऐड करेंगे तो। तो फिलहाल मैं यहाँ से बताता हूँ आपको टूल बार नहीं रखना है, और फैब आप अगर रखना चाहते हैं तो नीचे में फैब का बटन है, आप इसे भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल इतना आपको करके यहाँ पर सेव करना है, और मैं बढ़ता हूँ अपने इसके होम स्क्रीन पर। तो ये काफ़ी लोडिंग लेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा पेज बन चुका है, तो इसे कंपाइल होने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा वर्क तो होगा ही इसमें, क्योंकि आप इतना बड़ा ऐप बना रहे हो तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस पेज में आपको एक लीनियर एज लगाना है,
और लीनियर रेस लगाने के बाद इसके हाइट को आपको मैच पैरेंट करना है और ओरिएंटेशन को आपको वर्टिकल कर लेना है। इसके बाद इसको क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा, इसके ग्रेविटी को सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड सेंटर वर्टिकल करके सिलेक्ट कर लेना है। इसमें अब आपको इमेज लगाना है, इमेज भी आपको एक लेके आना है यहाँ पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे लाना है एक टेक्स्ट व्यू, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर यदि आप ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो एक लीनियर एज लेके आ सकते हैं, और इसमें आप लगा सकते हैं एक प्रोग्रेस बार। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो जाएगा, एंड इसके बाद मैं करने वाला हूँ यहाँ पर इसकी पैडिंग को मैं 0 कर लेता हूँ और इसके ओरिएंटेशन को मैं वर्टिकल कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसमें भी एक टेक्स्ट व्यू डाल देना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके विड्थ को आप इधर से ध्यान दीजिए, इसे मैं कर लेता हूँ 70 dpi, एंड इसके बाद इसके हाइट को भी आपको 70 dpi कर लेना होगा, 70 dpi। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके बाद इसके ओरिएंटेशन को आप वर्टिकल ही हॉरिजॉन्टल ही रहने दीजिए। इसके बाद आप देख पाएंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसके ग्रेविटी को आपको जाना है, ये वाला जो है इसकी ग्रेविटी को आपको सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लेना है, इससे ये बीच में आ जाएगा। तो टेक्स्ट व्यू को आपको इधर लेके आ जाना है, और इस टेक्स्ट व्यू में आपको लिखना है लोडिंग। तो इसे मैं मिटा लेता हूँ, और यहाँ पर LODING लोडिंग और डॉट 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 सेव करना है। और इसके बाद इसके टेक्स्ट साइज को आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जैसे 18 SP, एंड इसके टेक्स्ट स्टाइल को आपको बोल्ड कर लेना है, और इसके टेक्स्ट कलर को आपको कर लेना है ऑरेंज कलर। तो ऐसा बन करके ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको अब यहाँ पर ऐप का नाम लिखना है, जो आपका ऐप है, जैसे मेरा यहाँ नाम है इस ऐप का अर्निंग ऐप। तो मैंने यहाँ पर अर्निंग ऐप लिख दिया है, और इसके टेक्स्ट साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और इसके टेक्स्ट स्टाइल को बोल्ड करके इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ ऑरेंज कलर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके बाद आप इसे चाहें तो यहाँ से आप मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ताकि ये कुछ नीचे हो जाए। तो इसमें मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका बॉटम मार्जिन को आप रख लेना है आपको 100। इसके बाद इसे सेव कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको इमेज ऐड करना है। तो मैं 3 dots पर क्लिक करके इसमें इमेज में जाता हूँ, और यहाँ से आपको इमेज पर ऐड करना है, और अपने गैलरी से इमेज लेके आ जाना है। फिलहाल मैं यहाँ जाता हूँ और ऐप का आइकॉन मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से इसका नाम रखने वाला हूँ रीनेम करके लोगो, एंड यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गया, और इसे बैक कर लेना है आपको। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्लिक करने के साथ इस इमेज पर जाना है और लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये कुछ इतना बड़ा सा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको रिसाइज कर लेना है। इसका विड्थ को आप कर लीजिए 120 dpi, एंड हाइट को भी कर लीजिए आप 120 dpi। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके इमेज को आपको क्या करना है, स्केल टाइप में जाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ पे फिट सेंटर करके सिलेक्ट कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको चले जाना मेन XML से। अब आपको मेन XML से जाना है यूज़र के ऑथेंटिकेशन पेज पर, कि जैसे ऐप का स्प्लैश आए तो वहाँ से यूज़र अपने लॉगिन या साइन अप कर पाए। तो फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ इवेंट पर ऑन क्रिएट में, और इसके बाद अब यहाँ पर आपको कॉम्पोनेंट में जाना है, और आप यहां पर ऐड बटन जो दिख रहा है, आप यहां से ऐड कंपोनेंट कर सकते हैं। और इंटेंट पर आपको चूज़ करने के बाद इंटेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल आई रख लेता हूं और इसे ऐड कर लेता हूं। अब यहां पर ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो सेट स्क्रीन को आपको यहां पिक करके लाना है, एंड यहां से स्टार्ट एक्टिविटी आपको पिक कर लेना है। इसके बाद आप फिनिश एक्टिविटी का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आप यहाँ पर इन सारे चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यूज़र एक्टिविटी में हमें जाना है, और इसके बाद इंटेंट को आई चूज़ करना है। अगर आप इन ब्लॉक्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं ब्लॉक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा जरूर। तो यहाँ से मेन XML पे आपको जाना है यूज़र ऑथ पे, क्योंकि हम अब यूज़र ऑथ पे आ चुके हैं। अब ये हमारा होगा लॉगिन का पेज, साइनअप का पेज और रजिस्टर का पेज, जिस पेज को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक टेक्स्ट व्यू यहाँ पर दे करके आपको दिखाएंगे कि ये हमारा यूज़र का ऑथ पेज है। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं
यूजर AUTH। मैं फिलहाल इतना सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये पेज रियल में वर्क करता है या फिर नहीं। तो फिलहाल आप यहाँ पर एक छोटी सी काम करना है, मेन XML में आप ध्यान दिए कि यहाँ पर ऑन क्रिएट में आपने तो डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिया, लेकिन आपको यहाँ पर एक टाइमर लगाना होगा। कंपोनेंट में आपको जाने के बाद एड कंपोनेंट में आपको टाइमर लगाना होगा। आप टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर के लिए मैं टी कंपोनेंट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से आपको टाइमर का ब्लॉक मिल जाएगा। तो आफ्टर ये वाला ब्लॉक आप ले सकते हैं, इसमें आपको ये वाला ऐसे लगा लेना है। तो इसके अंदर ये आ जाएगा, तो टाइमर का टी मैंने सेलेक्ट कर लिया और आफ्टर यानी कि अगर 1000 आप रखते हैं तो 1000 का मतलब 1 सेकेंड, तो 2000 का मतलब 2 सेकेंड, 3000 का मतलब 3 सेकेंड। तो फिलहाल मैं 3 सेकेंड का यूज़ करता हूँ, 2 सेकेंड का, हार्डली 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ही रख के ट्राई करते हैं। सेव कर लेते हैं और इसके बाद हम इसे अब रन करके चेक करेंगे कि ये ऐप कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैंने आज के इस वीडियो में इतना कुछ बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में लॉगिन पेज के बारे में हम बात करेंगे। तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये लोडिंग ले रहा है और ये कुछ ऐसा बन चुका है और देख सकते हैं यूज़र ऑथ पेज भी आप ऑटोमेटिक 3 सेकंड के बाद आ चुके हैं। यदि आप यहाँ से बैक भी करके मैं दिखाता हूँ आपको ये अर्निंग ऐप, और इसे स्टार्ट करते हैं जब भी तो ये कुछ लोडिंग लेता है, 3 सेकंड बाद आपको यूज़र ऑथेंटिकेशन पेज पर लेके चल जाता है। तो आपको इतना कर लेना है फिलहाल और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और आपको पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा, यदि आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो आप ऐसा ऐप नहीं बना पाएंगे।